हेलो दोस्तों, जायकेदार रितु किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम है लौकी साबूदाने थाली पीठ। चलिए देखते हैं लौकी साबूदाना थाली पीठ बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैंने लौकी ली हूँ जिसे मैं कद्दूकस कर ली हूँ। पहले मैंने लौकी को धोकर उसके छिलके छीलकर ये कद्दूकस कर लिया है इस तरह से। यहाँ पर मैंने साबूदाने छोटे वाले लिए हूँ जिसे 4 घंटे के लिए मैं भिगो के रखी थी और साफ पानी से धोकर इस तरह से साबूदाने हो गए हैं। यहाँ पर मैंने मूंगफली जो दरदरा कूट ली हूँ, यहाँ उबले आलू स्मैश करके रखी हूँ, यहाँ हरी मिर्च, धनिया पत्ती, हल्दी, नमक, तेल। चलिए देखते हैं ये लौकी साबूदाना थाली पीठ कैसे बनती है। चलिए लौकी साबूदाना थाली पीठ बनाने के पहले मैं डो बना लेती हूँ। ये मैं लौकी ले ले रही हूँ, साबूदाना, मूंगफली दरदरा जो कूटी हुई थी, जरूरत के अनुसार मैं डालूंगी। और ये स्मैश किए हुए आलू, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, अब मैं इसे गूंथ लूंगी। इस तरह से गूंथ लेंगी। मूंगफली के जो दाने थे जो कूटी हुई थी वो भी और डाल दे रही हूँ। ये देखिए ये हो गए हैं, इसमें मैं पानी ऐड नहीं करी हूँ। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ जब तक ये तावा गर्म होता है। चलिए जब तक तावा गर्म होता है, यहाँ पर मैं हाथ में तेल ले रही हूँ। तेल मैं ऐसे हाथ पे लगा ली। अब मैं ये इसके इस तरह से बॉल बना लूँगी और हाथ से ही इसे चिपटा करते जाऊँगी। अब मैं तावे में तेल लगा रही हूँ। इस तरह से धीमी आंच में मैं इसे सिकने दूंगी। यहाँ से आप इसे चलाते रहिए। अगर हाथ चिपक रहे हो तो थोड़ा सा तेल लगाकर फैला लीजिए, उसे धीमे आंच में पकने देंगे। ये देखिए ये सीख रही है। अब मैं इसे पलट देती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है। आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, टी टाइम में ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं। बहुत ही ये हेल्दी है। अब मैं इसे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसे ढक के सेकूंगी। ये देखिए सीख गए हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसे
इसी तरह से मैं और बाकी भी बना लूँगी। ये देखिए मैंने सभी सारी चीज़ बना ली है, अब मैं सर्व कर लेती हूँ। ये लीजिए बनकर तैयार है लौकी साबूदाना थाली पीठ। आप इसे किसी भी चटनी के साथ, दही के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।